रिकॉर्डिंग शुरू कर दो आप। आप सभी विद्यार्थियों को प्रेम भरा नमस्कार। 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, एक बार आप सभी विद्यार्थियों का फिर से ऑनलाइन क्लास में भव्य स्वागत है। जैसा कि हमारा जो उपविषय चल रहा है, आपके पाठ्यक्रम में जो वसंत नामक वसंत भाग 3 है, इससे में जो अंतिम अध्याय है टोपी, तो इस ये जो टोपी नामक कहानी है इसी पर आज चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में कुछ जो जानकारियां हैं तो कुछ जानकारियां हम हासिल कर चुके हैं। अब आगे देखिएगा, पेन पेंसिल निकाल लेना, इधर से शुरू करेंगे। इसे बूंद दे भैया, इसे बूंद दे भैया, गौरैया ने सास संजोकर कहा। सास संजोकर यानी कि जुटाकर, ठीक है। हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते। सेंत मेत का काम कराना यानी कि बिल्कुल मुफ्त का काम, ठीक है, वह काम जिसके लिए कुछ न देना पड़े, एक तरह से मुफ्त का काम होता है, ठीक है। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींच कर ताना बाना पसार दिया, पसार देना फैला देना। उसका करगा चलने लगा, करगा होता है चरखा। डर की डुलकने लगी, डर की होता है जो कपड़ा बुनने वाली होते हैं, ठीक है। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। गफस यानी ज्यादा बुन देना किसी कपड़े को, और दबीज होता मोटा। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी, यानी कि एक तरह से उस टोपी जो टोपी बनवानी थी उन्होंने उसका 75% जो काम था वो 75% काम उसका पूरा हो चुका था। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसके टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहां से? दर्जी दोस्त से बोला, दोस्त गुस्से में क्रोध में, दोस्त की जगह ये रोष आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ। अब उस 10 रतन के लिए मुझे डेरो जब्बे सिलने हैं। जब्बे जब्बे होते बच्चों के जो कपड़े होते हैं, छोटा बच्चा होता है जब पैदा होता है तो उसके लिए जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को ही जब्बे बोलते हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पहुंचते हुए ठंडी आह भरी। माथे का पसीना पहुंचना ये मुहावरे के तौर पे है, यानी कि उसकी जो मेहनत है वो साफ दिख रही थी, ठीक है। कुछ न कुछ देना न लेना बर माथे पसीना, हम तो भैये बेकार में कुछ करवाते नहीं, बेकार मुफ्त में। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सील दे, बल्कि 2 टोपियां सील दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार न होता। मजूरी होता है जो उसका मेहनताना होता है, और मुझी मुझी होता है जो काम करने वाला होता है, ठीक है। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरर सरर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सील दी। मनोयोग से यानी कि मन से खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फूंदने भी जड़ दिए। फूंदने गुच्छे फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे अपने आपे में न रही। डेढ़ टांगों पर लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फूंदने वाले।
वाकई तू तो रानी लग रही है, गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं राजा को मेरे राजा, गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए पुलिस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। पुलिस पुलिस होता है इच्छा, जायजा लेना, जायजा लेने का मतलब होता है परखना, जांच पड़ताल करना। ठीक है। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठे। कंगूरा, कंगूरा होता है मुंडेर को ही कंगूरा बोलते हैं। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। ठीक है भाई। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर पहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। वक्त, वक्त होता है समय। टहलुओं, टहलु होते हैं जो नौकर चाकर होते हैं, उनको टहलु बोलते हैं, सेवकों को। ठीक है। फुलेल, फुलेल एक खुशबूदार तेल होता है। खुशबूदार, खुशबूदार तेल को ही फुलेल बोलते हैं। ठीक है। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था, एक टहलु टहलुओं सिर पर चंपी कर रहा था। चंपी करना यानी कि मालिश करना। ये आपको फोटो में भी देख सकते हो, इस चित्र में भी आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये टैलू है और ये टैलू राजा के सिर पर चंपी कर रहा है। ठीक है। तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, उंगलियां फोड़ना उन्हें खींचना। ठीक है। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर गुद्दी गाड़ रहा था। पिंडली, पिंडली होता है पैर की एड़ी से टांग के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको पिंडली बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। अकल चकरा जाना, परेशान हो जाना, और फंदनेदार होता है गुच्छेदार। ठीक है। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढक, मेरी टोपी में पांच फूंदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। गौरैया ने क्या अलापना शुरू कर दिया? दूसरा ही राग। ठीक है। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में पांच फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने नहीं। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। हेटी होता है शर्म, शर्म महसूस हुई। ठीक है। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो। फदगुदी यानी कि गोरैये के, गोरैया के लिए प्रिय हुआ है ये, जो वो छोटी जो चिड़िया थी उसके लिए जो बार बार फुदक रही थी। पखने नोच दो, नोच लो, पखने होता है पंख। ठीक है। सिपाहियों देर न करो, क्षमा करें, क्षमा होता है माफी दे। महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी। गुलेल निशाना लगाने वाले एक छोटा सा अस्त्र होता है ये गुलेल। आजकल तो आप लोगों को इतना प्रयोग नहीं करते, लेकिन हमारे दौर में उस समय काफी प्रयोग करते थे इसका, गुलेल का। एक रबड़ सी की वो होती थी और लकड़ी के उस पर बांध के, और फिर उसमें छोटी सी कंकर डालकर
पशु पक्षियों की और मारना या फिर वैसे छोड़ना, इस तरह से एक तरह का खेल भी था, एक तरह से ये शिकार के तौर पे प्रयोग किया जाता है इस अस्त्र को। ठीक है, तो दूसरे सिपाही ने जट व टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था, मसलना होता दबाना, कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। दंग रहना ये मुहावरे का प्रयोग है, हैरान रह जाना। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता न चले। हुनरमंद, हुनरमंद होता है जो कुशल था, एक्सपर्ट था। ठीक है, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। मानिंद होता है के अनुरूप। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। मानिंद का मतलब क्या होता है? के अनुरूप। ठीक है, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, उम्दा होता बढ़िया, एकदम गफस और तवीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। महीन होता है बारीक, ठीक है, पतला, लाइटली हल्का। इतना महीन सूत किसने काटा? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह दुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने दुनी? बेहतरीन होता है बढ़िया किस्म की। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाँपते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खमा अंदर, खमा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया सरकार। दुनिया दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे ये सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? नफासत होता है सजा, सज्जा, सजा नहीं सज्जा। इतना मतलब अच्छे से सजावट, साफ स्वच्छ, स्वच्छता उर्दू शब्द है। अभ्यदान दे, अभ्यदान यानी कि अक्षमादान, माफी देना। तो बोलू सरकार, दुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गौरैया ने भी जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसे जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। बेगार की नहीं है यह है। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। निरा होता है बिल्कुल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती। जुड़ती यानी कि जुटना। तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। अकबका ना मुहावरे का प्रयोग है, हैरान हो जाना।
एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती ओल, और इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया। पाखी, पाखी का मतलब होता है पक्षी, ठीक है। तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐसो आराम, इतनी लश्करी, लश्करी होता है पलटन, सेना, ठीक है। इतने लवाजिमे का बोझ, लवाजिमे होता है यात्रा आदि में साथ रहने वाला जो सामान होता है, उसको लवाजिमे बोलते हैं। खजाना संभाले भी तो कैसे, तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने, अनोखा था अद्भुत। मंत्री ने होले से कहा, होले होता धीरे से, यह मुंह फट तो महाराज को बेपर्दाई करके दम लेगी। मुंह फट होता है जो साफ स्पष्ट बोलने वाले जो होते हैं उन्हें मुंह फट बोलते हैं। बेपर्दा होता है बेद खुलना, रहस्य खुल जाना। राजा तो खुद घबरा रहा था, जट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से ही टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कस कर पकड़ ली। ये जो अध्याय था, ये अध्याय आपका समाप्त हो गया भाई, ठीक है। तो इस तरह से इस अध्याय में जो आपके अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर बनते हैं वो एक बार देख लीजिएगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने आपके पास कल भेज दी थी, आप अपने फेयर नोटबुक में ये लिख लेना। इसके उपरांत हम जो सोमवार से करेंगे भारत की खोज करेंगे, ठीक है, अध्याय नंबर 8 और 9 उसमें से शेष रहता है। तो अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखिएगा एक बार इसमें। सबसे पहले चलते हम कि आपका जो है गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। गौरैया और गौरा के बीच जो कपड़ा था उस कपड़े को लेकर बहस हुई थी, और दोनों कपड़े के विषय में अपने अपने ही विचार दे रहे थे, तर्क दे रहे थे। गौरा कपड़ों को अनुचित मानता था, उसके अनुसार कपड़ों ने मानव को आलसी और आराम प्रख बना दिया है, ऐसा गौरा का मानना था। और एक दिन गौरा गौरैया दोनों दूरे पर दाना चुगने के लिए चल पड़े थे, और वहां दाना चुगते चुगते गौरैया को रुई का एक छोटा सा एक फा मिला, और अंततः गौरैया की जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरा करने का वो जो फा था वो एक कारण बन गया था। दूसरा देखिएगा, गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो आप संवाद के रूप में आप ये बता सकते हो इसमें, जैसे अध्याय से आपको ये पंक्तियां उठानी है। गौरैया आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। गौरा खाक फबता है कपड़ा पहनने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गौरैया, लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। गौरा, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। इस प्रकार के जो संवाद है, इस प्रकार की जो उन दोनों में बातें हुई थी, गौरैया में और गौरा में, ये आप लिख सकते हो। और आप यहाँ तक लिखोगे, टोपी तो पाएगी कहाँ से, यहाँ तक आप ये जो संवाद है ये आप इस अध्याय से लिखोगे। आगे है, टोपी बनाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक काम को लिखें। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस अध्याय से बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा उपयोगी है ये, ठीक है। तो देखिए, टोपी बनवाने के लिए गौरैया सबसे पहले एक रुई का फा लेकर दुनिया के पास पहुंची,
उसने उस बड़ी विनम्रता से रुई धुनने को बोला और गौरैया द्वारा आधा बांटने के आश्वासन पर उसने रुई धुन दी। इसके बाद गौरैया रुई लेकर एक कोरी के पास गई और कोरी से सूत कातने को कहा। उसने यहाँ आधे आधे की पेशकश की और कोरी ने भी रुई से सूत कात दिया। इसके बाद जो गौरैया है, गौरैया सूत लेकर बुनकर के पास पहुंची, उससे भी बड़ी विनम्रता से कहा और इस तरह से सूत से उसने कपड़ा बुन दिया। इसके बाद गौरैया बुनकर के द्वारा आनाकानी करने पर कपड़े को आधा आधा बांटने पर भी उसने क्या कर दिया था, उसे बुन दिया था और कुछ ही समय में एक सुंदर सा कपड़ा उसने तैयार कर दिया। इसके बाद कपड़ा लेकर गौरैया एक दर्जी के पास गई और वहां भी गौरैया ने बड़ी विनम्रता से उनके समक्ष निवेदन किया और दर्जी से दो टोपी बनाकर उसे एक अपने पास रखने के लिए कहा और एक उन्हें देने के लिए कहा। तो इस पर ऐसा आश्वासन पाकर दर्जी ने जल्दी से ही सुंदर टोपियां बना दी और दर्जी ने अपनी ओर से उस एक टोपी पर 5 फूंदने भी लगा दिए। इस प्रकार गौरैया की टोपी का निर्माण हुआ। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। चौथा है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए। देखिए, दर्जी राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए कपड़े सील रहा था, यानी कि जब्बे सील रहा था। राजा की ओर से इसका कोई मेहनत ताना भी उसे नहीं मिलना था। इस प्रकार से वह बेगारी कर रहा था। दूसरी ओर गौरैया ने दर्जी को आधा कपड़ा देकर उसे मुंह मांगी मजदूरी भी दे दी और मुंह मांगी मजदूरी पाकर दर्जी बहुत खुश था। इसी खुशी और उल्लास में उसने टोपी पर 5 फूंदने भी लगा दिए। ठीक है भाई, ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न 4। अब इसमें से जो आपके अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं और भी परीक्षा उपयोगी, वो देखिएगा आप अपने इस अध्याय से। सबसे पहले तो ये जो टोपी है, टोपी नामक जो ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, इसका संदेश या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। टोपी कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में फैले बेगारी की समस्या को दूर करने की कोशिश की और योग्यता अनुसार उन्हें उनका उचित मेहनत ताना देने की बात दर्शाई है। जैसे आजकल आप देखते भी हो समाज में, आपने पीछे देखा भी होगा, जो PhD है, D.Lit है, MPhil है, नेट क्वालिफाई है, इस प्रकार के जो उम्मीदवार हैं, इस प्रकार के जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं, डी ग्रुप में भर्ती होते हैं। कोई MSc फिजिक्स के करता है, कोई केमिस्ट्री से, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इस प्रकार से जो जैसे पढ़ाई करता है और फिर बाद में उन्हें डी ग्रुप में भर्ती कर दिया जाता है और उसके अनुसार उनकी इच्छा अनुसार उन्हें प्राप्ति भी नहीं होती। तो ये जो बात है, इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रकार की प्रक्रिया ये कोई नई बात नहीं है हम सभी के लिए, ये पहले से ही चलती आ रही है भारत देश में। ये जो प्रक्रिया इस प्रकार की है बहुत पहले से ही चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से लेखक यही संदेश हर स्थान राज्य में पहुंचाने की कोशिश करता है और उचित मूल्य मिलने पर कारीगर पूरी तरह से दक्ष और निपुणता के साथ काम भी करता है। अब आप देखोगे कहीं पर भी आप जाओगे, आपके क्वालिफिकेशन कुछ है, आपको जो मासिक वेतन आपको कम मिलता है, भले आप किसी स्कूल में टीच करते हो और आप भले आप किसी फैक्ट्री में या कहीं पर भी काम करने के लिए जाते हैं, तो उस समय क्या है, उस समय आपको जो आपका मेहनताना है वो उचित मात्रा में नहीं मिल पाता। अभी हाल ही में एक करंट का एग्जांपल अगर आपको बताए, अब अपने हरियाणा राज्य में एक गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, तो पिछले गेस्ट और ये जो कंप्यूटर टीचर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, इस प्रकार की ये जो
अध्यापक है और ये जो अन्य है इन्होंने कर्मचारी है, इन्होंने हड़ताल पर गए हुए हैं, ये स्ट्राइक की हुई है कि हमें उचित मात्रा में पैसा मिले, मासिक वेतन मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से सरकार ने उन्हें आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन फिर भी वो सरकार के आश्वासन पे को उचित नहीं मानते और आगे भी इस प्रकार के धरने वो करते रहते हैं, करेंगे जहां तक मेरा विचार है। और अभी भी उनका ये जो इस प्रकार का जो उनका इस तरफ से चलाया गया जो आंदोलन है ये अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तो ये चीजें तो हर जगह देखने को मिलती है भाई, ये एक साधारण सी बात बन चुकी है, ठीक है। तो लेखक यही चाहता है कि ये इस प्रकार से न हो और उनकी योग्यता अनुसार उन्हें मेहनताना मिले, उनके काम के अनुसार, उनकी निपुणता के अनुसार हर एक व्यक्ति को काम मिले, जैसे उसकी निपुणता वैसा उसको पैसा, ठीक है। आगे देखिएगा, यही इस कहानी का संदेश है। जब गौरैया दर्जी के पास पहुंची तो वह क्या कर रहा था? जब गौरैया दर्जी के पास पहुंची तो राजा तो दर्जी राजा की सातवीं रानी की 10वीं संतान के लिए जब भी सिल रहा था और वह गौरैया से ढंग से बातें भी नहीं, उसका ढंग से बातें करने का भी मन नहीं था। और इस प्रकार से फिर गौरैया ने जब उसे आधा आधे की पेशकश की तो वो तुरंत ही मान गया और अपनी ओर से उसने 5 फूंदने भी उसकी टोपी पर लगा दिया, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अंतिम देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब गौरैया राजा के महल के कंगूरे पर आ गई तब राजा की क्या स्थिति थी, स्पष्ट करें। जब गौरैया राजा के महल के कंगूरे पर आ बैठी तब राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। अभी अभी पढ़ा है हम सभी ने ये। राजा उस समय अध नंगा बदन और नंगे सिर था, एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था और दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर गुद्दी गाड़ रहा था, ठीक है। तो ये जो अध्याय है ये आपका समाप्त हो गया है। इस पर आप